मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी की समरी की, और अब हम पहुंच चुके हैं पार्ट फोर पे। इस जो हमारा ये किताब है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस, मैंने आप सभी लोगों से कहा है ये किताब खरीद लीजिए अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं। तो इस किताब के हम पहुंच चुके हैं आपके पार्ट सेवन पर, ठीक है। सो वी आर ऑन द पार्ट सेवन। पार्ट सेवन का जो टाइटल है दैट इज हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग। तो ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके, टोटल तीन सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज सेशन नंबर 14 to 17, ठीक है। तो सेशन आपका 17 to 14 आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जो कि अबाउट किसके है, लायर झूठ बोलने और झूठ बोलने वालों के बारे में है। शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। आप मेरे बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं, और अगर आप अनअकैडमी पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे मेरे दो फरवरी से दो कोर्स शुरू हो रहे हैं, जो कि एक है वोकैबुलरी बूस्टर फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2019, दूसरा है वोकैबुलरी बूस्टर फॉर सीजीएल एंड सीएचएसएल 2019 पार्ट टू। दोनों ही कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स का भी, इंग्लिश का भी कोर्स चल रहा है, जो कि 4 बजे से 6 बजे तक चलता है, 2 घंटे की इसमें हमारी क्लास होती है, जिसमें आपके टोटल 40 लेसन्स हैं। इसमें आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है AMANT, मेरा रेफरल कोड है, जिसको यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी फोर प्लस कोर्सेज। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप 8299117042 पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो कि आपको 6 मंथ का मिलता है 4320 रुपीज़ का आफ्टर रेफरल कोड यूज़ करने के बाद, और साल भर का मिलता है 5400 रुपीज़ का, ठीक है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लायर्स और लाइंग के बारे में। तो शुरू करें आज के सेशन को। उसमें हमारा पहला शब्द देखिए क्या आता है। जो पहला वर्ड हमारा है वो क्या है आपका, दैट इज नॉटस। नॉटस का मतलब क्या होता है? नॉटस इज अ रूट वर्ड जिसका मीनिंग हो जाता है नोन या फिर जानने वाला। तो उसी से वर्ड आपका क्या बना, नोटोरियस। OUS क्या है? OUS अगर सफिक्स है आपका, जो कि अगर किसी के भी साथ लगता है, किसी भी शब्द के साथ लगता है, तो उसका जो मीनिंग बनता है वो क्या हो जाता है, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा एडजेक्टिव हो जाती है। नोटोरियस मतलब नोटस मतलब हो गया नोन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अब इसमें नोटस है तो ये हमेशा कैसा है, ये वर्ड आपका निगेटिव है। शब्द कैसा है आपका? निगेटिव शब्द है। तो नोटोरियस का मतलब क्या हो जाता है? वेल नोन फॉर बींग बैड, बुरा होने के लिए जाना जाने वाला, ठीक है। यानी कि जो अपनी क्वालिटीज़ के लिए नहीं जाना जाता है, जो अपनी बुरी क्वालिटीज़ के लिए जाना जाता है। तो नोटोरियस का मतलब हो जाता है वेल नोन फॉर बीइंग बैड, बुरा होने के लिए जाना जाने वाला। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डिसक्रेडिटेबल, डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल। एंटोनिम इसका हो जाएगा ऑनरेबल, सम्माननीय, रेप्यूटेबल, रेस्पेक्टेबल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं, सच अ नोटोरियस पर्सन हैज गॉट टू द टॉप ऑफ द कंपनी, दैट्स मोर देन आई बार्गेन्ड फॉर। यानी कि काफी बुरा व्यक्ति जो है आपके कंपनी के टॉप पे पहुंच गया है। इसका नाउन बन जाएगा नोटोरिटी, ठीक है। अगला हमारा है वर्ड समस। समस क्या है आपका? हाइएस्ट। समस का मतलब क्या हो जाता है? हाइएस्ट, ठीक है। इससे वर्ड क्या बनेगा? कंज्यूमेट। कंज्यूमेट मतलब क्या हो गया आपका? कंज्यूमेट मतलब हो जाता है ब्रिंग टू कंप्लीशन, किसी चीज को कंप्लीट करना। सिनोनिम हो जाएगा कंप्लीट या फिर फाइनलाइज, और एंटोनिम इसका हो जाता है आपका फोरसेक या क्विट। ही एक्टेड द पार्ट ऑफ कंज्यूमेट स्किल, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे कंज्यूमेसी। अगला शब्द हमें मिलता है दैट इज कोरिगो। कोरिगो का मतलब क्या होता है? टू करेक्ट और सेट स्ट्रेट। कोरिगो का मीनिंग क्या हुआ? टू करेक्ट और सेट स्ट्रेट। अगर किसी में प्रीफिक्स लगता है आपका आई एन, तो वो कैसा प्रीफिक्स है आपका? नेगेटिव प्रीफिक्स है। कोरिगो का मतलब हो गया टू सेट, टू करेक्ट या फिर सेट स्ट्रेट, किसी को सीधा करना, ठीक है। किसी को टू सेट स्ट्रेट या टू करेक्ट करना, इसका सिनोनिम हो जाए, मीनिंग हो गया। तो देखिए आपका शब्द बनता है इनकरेजिबल। शब्द क्या बना? इनकरेजिबल। इनकरेजिबल बेटा क्या है आपका? एडजेक्टिव है। इन मतलब हुआ नॉट, करेज मतलब जिसको सीधा नहीं किया जा सकता है। तो इनकरेजिबल का मतलब हो गया नॉट कैपेबल ऑफ बींग क्योर्ड और रिफॉर्म्ड, जो कि सही नहीं है, जो कि कैपेबल नहीं है क्योर होने के लिए और रिफॉर्म होने के बारे में, उसे हम कह देंगे इनकरेजिबल, ठीक है। तो इनकरेजिबल क्या हो जाता है? नॉट कैपेबल ऑफ बींग क्योर्ड और रिफॉर्म, जो कि सही नहीं किया जा सकता, जो कि ठीक नहीं किया जा सकता। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? होपलेस या इनक्योरेबल। एंटोनिम्स हो जाएंगे रिकवरेबल या रिडीमेबल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एन इनकरेजिबल क्रिमिनल हु शुड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बिहाइंड बार्स। यानी कि वो एक ऐसा क्रिमिनल है जो कि कभी ठीक नहीं किया जा सकता, और उसे अपने जीवन का बाकी समय सलाखों के पीछे गुजारना चाहिए। इनकरेजिबिलिटी इसी का नाउन बन जाता है।
अगला रूट वर्ड जो हमें मिलता है वो मिलता है वेटस। वेटस का मतलब क्या हो गया? ओल्ड। आईएन का मतलब हो गया निगेटिव। तो इनवेटरेट, इनवेटरेट एडजेक्टिव है, मतलब क्या हो गया? डन और फेल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अनलाइकली टू चेंज। इनवेटरेट मतलब क्या हो जाता है? डन और फेल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अनलाइकली टू चेंज, मतलब हो गया जो कि बहुत लंबे समय से कोई कार्य कर रहा है और जो कि बदलने वाला नहीं है। तो इनवेटरेट का मतलब हो गया आपका, इन मतलब इन कैसा है? निगेटिव सफिक्स है, तो वेटर मतलब हो गया ओल्ड, तो इनवेटरेट मतलब हो गया कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत लंबे समय से कोई काम कर रहा है, कोई बैड हैबिट जो कि काफी लंबे समय से चली आ रही है, आप उसे सही नहीं कर सकते हो, जो कि रूटेड है, सेटल्ड है, ठीक है। तो कोई गलत काम जो कि कर रहा है और उसमें कोई भी सुधार के चांसेस नहीं है, उसे हम कहते हैं इनवेटरेट। एंटोनिम इसका हो जाएगा ब्रीफ। एफिमरल, एफिमरेबल, फ्लीटिंग, इसका मतलब हो जाता है आपका क्षणिक, जो कि परमानेंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, ही हैज एन इनवेटरेट टेंडेंसी टू टेल सम वेरी टॉल टेल्स, यानी कि उसको इनवेटरेट टेंडेंसी है लंबी स्टोरी सुनाने का। इनवेटरेसी या इनवेटरेटनेस इसका नाउन बन जाता है। अगला शब्द हमें मिलता है वेटस या फिर ओल्ड, ठीक है, वेटस या फिर ओल्ड से ही मिलता है, इसी से वर्ड आया वेटरन। शब्द क्या आया आपका? वेटरन। वेटरन क्या है? वेटरन इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। मीनिंग क्या हो जाता है? हैविंग और शोइंग एक्सेप्शनल नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल इन अ फील्ड ऑफ एंडेवर, यानी कि वह व्यक्ति जो कि एक्सेप्शनल नॉलेज, एक्सपीरियंस या फिर स्किल को शो करता है इन फील्ड ऑफ एंडेवर, उसे कहते हैं वेटरन। वेटरन का मतलब हुआ एक्सपीरियंस्ड, और जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिसने कहीं काम किया, उसे कहते हैं वेटरन। और मोस्टली ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है आर्मी वेटरन्स के लिए, यानी कि उन आर्मी के वो लोग जो कि बहुत लंबे समय तक सेवा कर चुके हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके? एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट या फिर गुड। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एमेच्योर या फिर एमेच्योरिस, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ वेटरन टीचर हु मेंटर्स न्यू टीचर्स। तो अ वेटरन टीचर्स मतलब हो गया, टीचर मतलब हो गया जो कि एक्सपीरियंस्ड है, जिसको काफी ज्यादा अनुभव है। Got it? अगला वर्ड हमें मिलता है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ या फिर ओरिजिन से, उद्भव से। तो उसी से वर्ड बना आपका जेनेटिक्स, मतलब हो गया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ब्रांच बायोलॉजी की वो ब्रांच जो डील करती है हेरिडिटी, मतलब हमारा उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और ऑर्गेनिजम्स के उत्पत्ति से रिलेटेड जो बातें करती है। और जेनेटिसिस्ट क्या हो जाएगा? IST लगता है, तो मीनिंग हो जाता है एक्सपर्ट। तो ये वो एक्सपर्ट, वो बायोलॉजिस्ट हो गया जो स्पेशलाइज करता है जेनेटिक्स में। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर वॉशिंगटन इज अ स्पेशलिस्ट इन जेनेटिक्स, तो जेनेटिक इसका एडजेक्टिव बन जाता है। अगला शब्द हमारा मिलता है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या है? जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ या फिर ओरिजिन। लोगोस हो गया स्टडी, तो शब्द बना जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी क्या है? एडजेक्टिव। मीनिंग हो गया द स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंसेस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री। तो जो आपके फैमिली हिस्ट्री कहाँ से आई, कहाँ से गई, इसके बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं? जीनियोलॉजी। और जीनियोलॉजिस्ट क्या हो जाता है? वो एक्सपर्ट जो जीनियोलॉजी के बारे में पढ़ता है। तो आई बिकेम इंटरेस्टेड इन जीनियोलॉजी ऑफ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के जीनियोलॉजी में इंटरेस्टेड हो गया। तो जैसे आप इस पिक्चर को देखकर आप रिलेट कर सकते हो। Got it? अगला शब्द आ जाता है आपका जेनिटल। तो जेन का मतलब क्या है? बर्थ या फिर ओरिजिन। जेनिटॉल क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। मीनिंग क्या हो गया? ऑफ और रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स। और जेनेसिस मतलब क्या होता है? जेनेसिस, ऑनसेट, इंसेप्शन, इनका मतलब हो जाता है द ओरिजिन और कमिंग इनटू बीइंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की शुरुआत। द बाइबल बिगिंस विद द जेनेसिस, बाइबल शुरू होती है इंसान के उद्भव से। करेक्ट। अगला टर्म आपका क्या है? कॉन्जेनिटल। कौन मतलब क्या हुआ? विद या फिर टुगेदर। जेनिटल मतलब हुआ बर्थ, मतलब कोई चीज जो कि बर्थ से है। तो एग्जिस्टिंग और डेटिंग फ्रॉम बर्थ, कोई चीज जो कि बर्थ से है, जन्म से है, उसके लिए आता है कॉन्जेनिटल। सिनोनिम हो गया बॉर्न या फिर नेचुरल। एंटोनिम हो गया नॉन नेचुरल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं व्हेन जॉन वॉज 17 ही डाइड ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज, ठीक है, वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज से मर गया, यानी कि जो कि ऐसी डिसीज जो कि बर्थ से ही उसमें थी। अगला टर्म आता है आपका हेरिडिटरी। हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का मतलब हो जाता है जेनेटिकली ट्रांसमिटेड और ट्रांसमिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स और टू ऑफस्प्रिंग। जैसे कुछ पेरेंट्स में अगर कुछ है तो वो चीज़ किस में? बच्चों में आई, ठीक है, और फिर वो फर्दर उनके बच्चों में जाती है। तो हेरिडिटरी का मतलब हो गया आपका
जो कि बर्थ से है और हेरिडिटरी मतलब जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकती है आपके, उसे कहते हैं हेरिडिटरी। ठीक, सिनोनिम हो जाएगा इनबॉर्न या इनहेरिटेबल, और एंटोनिम हो जाएगा नॉन हेरिडिटरी। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज अ हेरिडिटरी रूलर, वो कैसे रूलर हैं, हेरिडिटरी रूलर हैं, यानी कि उनके बाद जो अगला पीढ़ी होगा वो रूलर होगा, उनके बाद जो अगला पीढ़ी होगा वो रूलर होगा, तो उसे कह देते हैं हेरिडिटरी। अगला वर्ड हमारा है क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब क्या है, टाइम, और क्रोनिसिटी, क्रोनिसिटी का मतलब होता है बीइंग सच बाय हैबिट एंड नॉट लाइकली टू चेंज, बीइंग सच बाय हैबिट एंड नॉट लाइकली टू चेंज। सिनोनिम क्या हो गया, हैबिचुअल या इनवेटरेट, और एंटोनिम हो गया अनअकस्टम्ड या फिर अनयूज्ड। देर इज अ क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, टीचर्स की काफी ज्यादा शॉर्टेज है, और एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे, क्रॉनिक। ठीक है, तो क्रॉनिक मतलब हो गया, क्रोनोस मतलब हुआ टाइम, क्रॉनिक मतलब हुआ बींग सच बाई हैबिट एंड नॉट लाइकली टू चेंज, जो कि कंटिन्यूसली वैसा है और जल्दी बदलने वाला नहीं है, तो उसे हम कहते हैं आपका क्रॉनिसिटी। गॉट इट? तो क्रोनो, जैसे आपने आजकल एक टर्म काफी ज्यादा चर्चा में है, दैट इज आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी किसी से रिलेटेड आता है, टाइम से, तो क्रोनिसिटी मतलब दैट इज बाई हैबिट नॉट लाइकली टू चेंज। ठीक, इसी से आपका वर्ड बना ए या फिर एना, अगर किसी में लगता है, ये निगेटिव प्रीफिक्स है, क्रोनोस मतलब हुआ टाइम, तो एनाक्रोनिज्म, एना मतलब नॉट, नॉट मीनिंग क्या हो गया, समथिंग रिलेटेड एट अ टाइम व्हेन इट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड और अकर्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ, हो गया एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मीनिंग हो जाता है आपका कि समथिंग दैट इज प्लेस्ड फॉर एग्जाम्पल इन अ बुक और प्ले इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जो कि गलत है। जैसे मोनार्की इज समथिंग ऑफ एन एनाक्रोनिज्म दीज डेज, मतलब मोनार्की की अगर हम बात करें, अगर हम शासक की किंगशिप की बात करें, जो आपके राजा रजवाड़े वाला जो सिस्टम है उसकी बात करें, तो दैट इज समथिंग ऑफ एन एनाक्रोनिज्म दीज डेज, आज की तारीख में वो ऐसा होगा जो कि आपके रॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री, मतलब जो आज के उसका कोई रेलेवेंस नहीं है आज की तारीख में उससे। ठीक है, तो अ पर्सन और अ कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एन आइडिया which does not belong to present, जो वर्तमान से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसे कहते हैं anachronism। तो इसी से adjective बनता है anachronous या anachronistic। अगला शब्द आता है incongruous। तो con का मतलब क्या था, together with, in मतलब not, तो incongruous मतलब हो गया lacking in harmony और compatibility और appropriateness, मतलब साथ में नहीं रह सकते आप, उसे कहते हैं आपका incongruous। ठीक है, तो टर्म आपका जैसे हुआ, सिनोनिम हो गया एमिस या ग्रेसलेस या इम्प्रॉपर, और एंटोनिम हो जाएगा एप्रोप्रिएट या बिकमिंग। फॉर एग्जांपल, द न्यू कंप्यूटर लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस इन द डार्क बुक लाइफ फील्ड लाइब्रेरी, यानी कि जो नई कंप्यूटर है नया, दैट लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस, वो बिल्कुल भी हारमोनी में नहीं लग रहा था विद इन द डार्क बुक फील्ड लाइब्रेरी। ठीक है, मतलब जहाँ पर किताबें रखी हैं वहाँ पर कंप्यूटर रखा, तो वो उनके साथ फिट नहीं बैठ रहा था, वो उनके साथ अलग सा फील हो रहा था। ठीक है, और इसी से आता है इनकॉन्ग्रुटी। इनकॉन्ग्रुअस आपने किस में पढ़ा होगा, जैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, जो आप कहते हैं ना ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल उसके साथ फिट बैठता है, इनकॉन्ग्रुअस मतलब फिट नहीं बैठता। अब देखो, ये आपने खूब सुना है क्रोनोलॉजी आजकल, तो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिस्ट, यानी कि टाइम के साथ साथ आप अगर करें, जैसे 1901 में क्या हुआ, फिर 1902 में क्या हुआ, तो उसे कहते हैं। ठीक है, लोगोस क्या हो जाएगा, साइंस। फॉर example, आई एम नॉट श्योर ऑफ द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, मैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स में के बारे में श्योर नहीं हूँ, क्रोनोलॉजिकल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगला शब्द क्या है, क्रोनोस क्या है, टाइम, और मेट्रॉन मतलब क्या हो जाता है, मेजरमेंट। तो क्रोनोमीटर क्या हो गया, एन एक्यूरेट क्लॉक इज कॉल्ड क्रोनोमीटर। माई वॉच इज मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इट हैज अ क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर आपके कुछ कुछ वॉच में होता है, उसे कहते हैं क्रोनोग्राफ भी कहते हैं, तो क्रोनोमेट्रिक इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, अब क्रोनोस का मतलब क्या है, टाइम, सिन मतलब हुआ टुगेदर, तो सिंक्रनाइज कहते हैं, सिंक्रनाइजेशन आपका अच्छा, जैसे कभी कभी आप डांस परफॉर्मेंस देखते होगे, तो उसमें क्या कहते हैं कि आपका सिंक्रनाइजेशन बड़ा अच्छा था, मतलब हैपन एट द सेम टाइम, मतलब हो जाता है सिंक्रनाइजेशन, एक ही समय पर होना। फॉर एग्जाम्पल, द व्हील्स मस्ट सिंक्रनाइज एज दे रिवॉल्व सिंक्रोनस, ठीक है, व्हील्स को सिंक्रनाइज बहुत जरूरी होता है इस तरीके की ट्रेन के लिए। अगला टर्म आ जाता है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है डिसीज या फिर सफरिंग, और लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द कॉजेज एंड नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ डिसीजेज, उसे हम कहते हैं पैथोलॉजिस्ट।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं द पैथोलॉजी प्रोटोकॉल हैज बीन डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली, पैथोलॉजी का जो प्रोटोकॉल है उसे हमने पीछे डिस्क्राइब किया है, और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हो जाएगा पैथोलॉजिकल। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है आपका पैथोस, मतलब हुआ फीलिंग, सिन मतलब हुआ विद या फिर टुगेदर, तो सिंपैथी, सिंपैथी मतलब हो गया आपका, पैथोस का मतलब फीलिंग भी होता है, पैथोस का मतलब डिसीज भी होता है, तो पैथोस का मतलब जब हम फीलिंग करते हैं तो मतलब हो गया आपकी जैसे सॉरो और द कैपेसिटी टू फील सॉरो फॉर अनदर सफरिंग और मिसफॉर्चून, यानी कि अगर आपके दोस्त के साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपको भी बुरा लग रहा है, इसे हम कहते हैं सिंपैथी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सिंपैथी मतलब आपकी उसके साथ सिंपैथी है, यानी कि पूरी सहानुभूति है। फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम हो गया कमिसरेशन, कमिसरेशन कंपैशन या फिर फीलिंग, और एंटोनिम हो गया कैलसनेस या कोल्ड हार्टेडनेस। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं आई हैव मच सिंपैथी फॉर यू, मुझे तुम्हारे साथ काफी सिंपैथी है। अगला टर्म आ जाता है आपका पैथोस से ही एंटीपैथी, एंटी मतलब हो जाता है अगेंस्ट, पैथोस मतलब हो गया फीलिंग, तो एंटी मतलब हो गया फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, ठीक है, दुश्मनी की भी भावना होना, जिसे हॉस्टिलिटी या जॉन्डिस भी कह सकते हैं। एंटोनिम हो जाएगा एमिटी, फॉर एग्जाम्पल आई हैव आई फील नो एंटीपैथी टूवर्ड्स एनी ऑफ माई ओपोनेंट्स इन द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट्स में जो भी मेरे आपके ओपोनेंट्स थे उनके लिए मैं कोई एंटीपैथी फील नहीं करता, कोई दुश्मनी नहीं फील करता। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एंटीपैथेटिक। तीसरा टर्म एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसे कहते हैं अपैथी, अपैथेटिक, ए मतलब हो गया निगेटिव सफिक्स, अपैथी मतलब कोई फीलिंग ही नहीं होना, तो शोइंग नो इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, कोई भी भावना ही शो नहीं करना, उसे कहते हैं एंड अपैथेटिक, मतलब आप इनडिफरेंट हो, आपको कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे कहते हैं अपैथेटिक। तो कैजुअल, कंप्लेसेंट या इनडिफरेंट, एडियम एक याद रख सकते हैं थिक स्किन्ड, और एंटोनिम हो जाएगा कंसर्न या फिर इंटरेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल आई रियलाइज आई वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिप्रेस्ड एंड एपैथेटिक, एंटोनिम हो जाएगा, नाउन हो जाएगा एपैथी। अगला टर्म होता है इम्पैथी, इम्पैथी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एम का मतलब हो जाता है इन, पैथी मतलब हो गया फीलिंग, तो इम्पैथी मतलब हो जाता है अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इन टू अनदर्स फीलिंग, एक दूसरे की भावनाओं को समझना। सिंपैथी में था कि दूसरे की, आप मान लीजिए उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, आप भी दुख फील कर रहे हैं, लेकिन एम्पैथी क्या है, एम्पैथी जनरली भी बहुत जरूरी है, आपको अपने दोस्त के साथ एम्पैथी होना बड़ी जरूरी है, क्योंकि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, आप उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, तो उसे कहते हैं एम्पैथी। पिटी, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग सिनोनिम हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे वेनम, विंडिक्टिवनेस या विरुलेंस। फॉर एग्जाम्पल आई फेल्ट रियल एम्पैथी फॉर माई मदर एंड वॉट शी हैड बीन थॉरो थ्रू, और नाउन हो जाएगा एम्पैथेटिक। अगला है पैथोस, तो क्या हो जाएगा पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब हो जाता है डिजर्विंग और इंसाइटिंग पिटी, पैथेटिक मतलब हो जाता है डिजर्विंग और इंसाइटिंग पिटी। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, हर्ट ब्रेकिंग या हर्टेंडिंग या मिजरेबल, और एंटोनिम हो जाएंगे अनइम्प्रेसिव या फिर अनइंस्पायरिंग। For example, the small group of onlookers presented a pathetic sight. Pathetic मतलब हो गया कि जैसे पिटी, जिसपे आपको दया आए, आपको थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आए कि बड़ी pathetic परफॉर्मेंस थी, बड़ी खराब परफॉर्मेंस थी, उसे कहेंगे। ठीक है, अगला टर्म आ जाता है टेलीपैथी, तो टेलीपैथी का मतलब क्या हो जाता है, टेली मतलब हो गया डिस्टेंस, पैथी मतलब हो गया फीलिंग, तो दूर से आप अपनी डिस्टेंस को, अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर पाएं। For example, a way of meaning हो गया way of communicating through directly from one person's mind to another person's mind without using words or signal. जैसे शक्तिमान और गीता विश्वास टेलीपैथी से बात कर लेते थे। So the telepathy is working and extra signals are being clogged up. Adjective हो जाएगा telepathetic. अगला है टेली का मतलब डिस्टेंस है, तो इससे और वर्ड बनते हैं आपके, जैसे टेलीफोन मतलब हो गया जो आप दूर से बात कर पाते हैं, टेलीग्राफ वो एपरेटस जिसको दूर से डिस्टेंस मैसेज को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो कि राजी फिल्म में आलिया भट्ट इस्तेमाल करती है। टेलीस्कोप, मैग्नीफायर ऑफ इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके इसे कहते हैं टेलीस्कोप, आपको पता है। अगला टर्म है आपका SCIO, मतलब होता है जानना, कॉन मतलब होता है विद, तो इसी से टर्म बना कॉन्साइंस, मतलब हो गया वंस इंटरनल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, आपकी रेशनेबिलिटी, आपकी रेशनल एबिलिटी, आप ये जान पाओ कि क्या सही है क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल हर कॉन्साइंस टोल्ड हर टू फाइंड द लॉस्ट वॉलेट्स ओनर,
वो मतलब आपकी उसकी कंसाइंस ने कहा, उसकी जो अंतरात्मा थी उसकी आवाज़ ने कहा कि आप ढूंढो कि जो आपको वॉलेट मिला है लॉस्ट, उसके ओनर को आप ढूंढें। कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आपका हैविंग स्पेसिफाइड फैक्ट्स और फीलिंग्स एक्टिवली इम्प्रेस्ड ऑन द माइंड, मतलब आप अवेयर हो, यू आर कॉन्शियस, यू आर इन अ कॉन्शियस स्टेट, आप अवेयरनेस की अवेयर्ड स्टेट में हो। अगला हो जाता है अनकॉन्शियसेबल। अनकॉन्शियसनेबल मतलब हो गया कि गोइंग बियॉन्ड अ नॉर्मल और एक्सेप्टेबल लिमिट इन डिग्री और अमाउंट, तो बियॉन्ड द आप किसी अमाउंट चले जाओ उसे कहते हैं अनकॉन्शियसेबल। जैसे हो गया बोरोक, डेविलिश या एक्सेसिव, एंटोनेम हो जाएगा मॉडेस्ट या रीजनेबल। फॉर एग्जाम्पल एन अनकॉन्शियसनेबल नंबर ऑफ एरर्स फॉर एन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट, मतलब बियॉन्ड नंबर ऑफ जितनी होनी चाहिए उससे एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा नंबर जा रहे हैं, इस आपकी एरर्स हो रही हैं। ठीक है, अगला वर्ड आता है ओमनिसियंट। तो ओमनिस का मतलब होता है ऑल, और एस सी आई का मतलब हो गया जानना। तो ओमनिसेंट मतलब हो गया हैविंग अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, जिसे सब कुछ पता है, सारा ही कुछ पता है, उसे कहेंगे ओमनिसेंट। तो वो कौन हो जाएगा? गॉड। तो ऑल पावरफुल, ऑलमाइटी या ओमनीपोटेंट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ह्यूमन, मॉर्टल या फिर नेचुरल। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल द नॉवेल हैज एन ओमनिसेंट नैरेटर, और सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओमनिसेंस। अगला हो गया प्री सेंस। प्री मतलब हो जाता है बिफोर, सेंस मतलब हो गया जानना। द स्पेशल एबिलिटी टू सी और नो विदाउट इवेंट्स बिफोर दे एक्चुअली अकर, मतलब जो कि पहले हो उससे पहले ही आपको पता चल जाए, उसे कहते हैं प्री सेंस। फोर नॉलेज या फोर साइट इसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं मोस्ट बिलीवर्स वुड प्रोबेबली एग्री दैट कंप्लीट प्री सेंस इज वन ऑफ गॉड्स एप्टीट्यूड एट्रीब्यूट, यानी कि भगवान का ये एट्रीब्यूट ही होगा कि आपको पहले से सब कुछ पता चल जाए आगे क्या होगा। अगला वर्ड है ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है सेड और डन इन अ वे दैट लैक्स थॉट और इन नॉट सिंसियर, मतलब एक ग्लिब रिमार्क देना कि आपने कुछ सोचा नहीं, बिना सोचा समझे कुछ बोलने के सेंस में आ जाएगा आपका ग्लिब। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फेसाइल या सुपरफिशियल। एंटोनिम हो जाएंगे हर्टफेल्ट या ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंटेशन वॉज क्रिटिसाइज फॉर इट्स ग्लिब पोर्ट्रायल ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के जो ग्लिब पोर्ट्रायल है, मतलब फेसाइल और सुपरफिशियल, बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे आपके जो इस तरह के रिमार्क किए गए उसके लिए ग्लिबनेस क्या हो जाएगा? सिनोनिम। अगला वर्ड है आपका ग्रेक्स, ग्रेजिस, इसका मतलब होता है हर्ड या फिर फ्लॉक, ग्रुप। तो इससे वर्ड बनना एग्रीजियस, एग्रीगियस, मतलब हो जाता है आपका वेरी नोटिसेबल स्पेशली फॉर बींग इनकरेक्ट और बैड। ठीक, तो जो कि बहुत जल्दी नोटिस किया जा सके उसे कहेंगे एग्रीजियस। सिनोनिम हो गया ब्लेटेंट, कॉन्स्पिकस, फ्लैग्रेंट। एंटोनिम हो जाएगा स्लाइट या स्मॉल। द स्टूडेंट्स थीम वॉज मार्ड बाई अ नंबर ऑफ एग्रीजियस एरर्स इन स्पेलिंग, मार्ड मतलब पूरी तरीके से किसी चीज को डैमेज करना, बर्बाद कर देना एक तरीके से, मतलब पूरी तरीके से भरी हुई थी, किससे? एग्रीजियस एरर से, बहुत ज्यादा विजिबल एरर से। एग्रीजियसनेस क्या हो जाएगा? नाउन। इसी से अगला शब्द बना है कॉन्ग्रीगेट। तो कॉन मतलब हुआ विद, कॉन्ग्रीगेट मतलब हो जाता है टू ब्रिंग टूगेदर इन वन बॉडी और प्लेस। ठीक है, यानी कि इकट्ठा होना। कॉन्ग्रीगेशन क्या कहते हैं? जो चर्च में गैदरिंग होती है, रिलीजियस गैदरिंग होती है, उसे कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। सिनोनिम होता है एक्यूमुलेट, अमास, असेंबल। एंटोनिम हो जाएगा डिसिपेट या स्कैटर। बोथ कैप्टन्स कॉन्ग्रीगेटेड दियर टीम मेंबर्स फॉर सम प्रीजेम स्ट्रेटेजाइजिंग। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन इसका नाउन हो जाएगा। अगला वर्ड बनता है सेग्रीगेट। एसी का मतलब हुआ अपार्ट, ग्रेग मतलब हुआ ग्रुप, यानी कि ग्रुप से अलग कर देना, मतलब अलग अलग कर देना, सेग्रीगेट हो गया टू कीप अपार्ट फ्रॉम अदर्स, सेपरेट, सिक्वेस्टर। एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीगेट या इंटीग्रेट, इस पिक्चर से भी आप इसे याद रख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे द सिक काउज वर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द हर्ड, यानी कि ग्रुप से अलग कर दी गई थी आपकी सिक काउज, और इसका नाउन हो जाएगा सेग्रीगेशन। ठीक है, चलिए अगला वर्ड आता है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? टू हैव अ लॉट ऑफ टोटल, हैव अ टोटल ऑफ, यानी कि फुल सम या सम टोटल। एंटोनिम हो जाएगा सेग्रीगेट, जैसे ये एग्रीगेट हो गया। द फुटबॉल टीम हैड अ लो गोल एग्रीगेट लास्ट सीजन। ठीक है, तो एग्रीगेशन इसका नाउन हो जाएगा। सो लेट्स कीप इट टिल हेयर। आई होप जितना बताया सभी को समझ में आया होगा, तो यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। तो आज हमने इसमें पार्ट 7 इसका डिस्कस कर लिया है आपकी किताब का। इसके बाद पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। टोटल 48 सेशंस हैं, हमने 17 तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और अगर आपने अटेंड किया है तो कमेंट सेक्शन में अटेंडेड जरूर लिखिए। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 10:30 PM पर आपका इंग्लिश का लाइव सेशन होता है जिसमें हम लोग लाइव डिस्कशन करते हैं, तो उसको जरूर अटेंड कीजिए। और मिलते हैं रात में 10:30 बजे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।